नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज और मैं हूं दिवाकर आपके साथ। खबर रायबरेली के ऊंचाहार से। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन के संस्थापक पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक अरशद खान साहब के ऊंचाहार आगमन पर जिला चेयरमैन मदर टेरेसा फाउंडेशन रायबरेली डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मंसूरी व संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। आइए देखते हैं US मंसूरी की एक रिपोर्ट। ये जो मदर टेरेसा फाउंडेशन आपने बनाया है ट्रस्ट, इसके उद्देश्य क्या हैं? मदर टेरेसा फाउंडेशन सेवा, शिक्षा, सद्भावना, राष्ट्र प्रेम की बुनियाद पर एक नए समाज का निर्माण करना चाहती है तो, और शिक्षित भारत, विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं। दूसरे, जिन समाज के लोगों को अभी भी हक अधिकार सम्मान नहीं मिला है, उसको हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए भी मदर टेरेसा फाउंडेशन की कोऑर्डिनेशन कमेटियां संघर्ष करेंगी। अभी 9 अगस्त को मदर टेरेसा फाउंडेशन आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी आबादी, हिंदुस्तानियों की 10-15% आबादी है आदिवासी समाज की, लेकिन आज वो राष्ट्र की मुख्य धारा से और समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। आज भी आदिवासियों की बड़ी आबादी पेट भर खाना नहीं पाती। वो जंगलों में और पहाड़ों पे पैदा हुए हैं, उन्हें साफ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी पीते हैं जिससे वो बीमार होते हैं और उम्र घट जाती है। जंगलों में उन्हें ज़मीनों पर मालिकाना हक नहीं मिला है। जल, जंगल, ज़मीन पर अधिकार दिलाने के लिए आदिवासियों को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे देश में मदर टेरेसा फाउंडेशन आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले 9 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और पूरे देश में आदिवासियों के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन की आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी लड़ाई लड़ रही है। लाइफ मूवमेंट, दांत बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन, दांत का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हिंदुस्तान में 90% लोग दांत के लिए बड़ी लापरवाही करते हैं। जब बहुत बीमार हो जाते हैं, दांत तकलीफ देने लगता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना जाते ही नहीं हैं। आगे किन किन बिंदुओं पर कार्य करने का इरादा है मदर टेरेसा फाउंडेशन का? आगे किन किन बिंदुओं पर कार्य करने का इरादा है? देखिए, हमारी मदर टेरेसा फाउंडेशन स्पोर्ट विंग है। हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और तमाम खेलों को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण स्तर पर छोटे कस्बों में जो क्षमताएँ हैं, गरीब, कमज़ोर, दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान के बच्चे और बच्चियों को उभारने का काम करेंगे। अभी एक लड़का है वहाँ का, मूक और बधिर, स्पोर्ट विंग के मोहम्मद यूसुफ साहब ने ट्रेन किया और दुबई प्रीमियर लीग में उसका चयन हुआ है, वो जाने वाला है। तो हमारी स्पोर्ट विंग काम करती है, हमारी एक डॉक्टर विंग है जो फ्री मेडिकल कैंप लगाती है, हमारी टीचर्स विंग है, उसके ज़रिए से हम लोग फ्री कोचिंग के लिए भी गरीब कमज़ोर लोगों की व्यवस्था करेंगे। जनता का क्या साथ मिला आपको? जनता का बहुत साथ मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन का संगठन पूरे देश में सभी स्टेटों में काम कर रहा है और धीरे 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 एक बड़ा रूप इसका बनता जा रहा है। इसका काम समाज की भलाई करना, लोगों को जोड़ना, नफरतें मिटाना, मोहब्बतें पैदा करना है। इस वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी महामारी से, महामारी की लड़ाई में मदर टेरेसा फाउंडेशन क्या वर्क कर रही है? मदर टेरेसा फाउंडेशन ने अभी हमारी 15,000 से ज़्यादा टीमों ने गरीब कमज़ोर लोगों को राशन बांटा, खाना बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र का काम किया। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ जिससे मदर टेरेसा फाउंडेशन की पहचान देश में ही नहीं, विदेश में भी होगी। हमारे पास कुवैत से, सऊदी अरब से, इंग्लैंड से, अमेरिका, तो हम लोग काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। हिंदुस्तान में कितने प्रदेशों में ये मदर टेरेसा फाउंडेशन से प्रदेश में बनाया नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। हमने कहा कोई गलत आदमी फंस जाए, तो इतने स्टेट नहीं बनाए, बाकी पूरे देश के सभी स्टेट में मदर टेरेसा फाउंडेशन काम करते हैं।